इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। नहीं लगा था लेकिन मजा बहुत आया। मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा, अपने पापा का नाम रोशन करूंगा। क्या खिलाती है इतना भाग रहा है ये? कुछ भी नहीं खाता, बस ये नेचुरल चीज है। ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल है। बहुत अच्छा लग रहा है कराची और पाकिस्तान साइबर रनर्स के साथ यहाँ इस मैराथन में हिस्सा लेके। और लंदन और बोस्टन मैराथन की तर्ज पर कराची में वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर आलमी मैयार की पहली मैराथन का इनेकाद। सीवीयू पर वाकई निशान पाकिस्तान पर सुबह 7 बजे मुल्क भर से एथलीट्स यकजा हो गए। क्या जवान, क्या बच्चे, मर्द, खवातीन और गैर मुल्की सभी दौड़ में शरीक हुए। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद का जज्बा भी दीदनी रहा। सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मी के इनेकाद पर शुरका ने खुशी का इजहार किया, पूरे मुल्क के लिए फख्र का बायस करार दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर पहली कराची मैराथन में 42.2 किलोमीटर की फुल, 21.1 किलोमीटर की हाफ, 5 किलोमीटर मिनी मैराथन और रैली हुई। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने कराची मैराथन का हर लम्हा बराह रास्त नशर किया। वर्ल्ड लेवल पे जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना थोड़ी स्पोर्ट की जरूरत है। मैंने हाफ मैराथन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैंने बहुत मेहनत की है, जहाँ भी मैराथन होगी मैं जाऊँगा। सुना था कि इट्स अ लव लेटर टू द सिटी एंड दैट्स व्हाट इट रियली इज। हम लोग यहाँ पे ट्रेन करते हैं, बहुत मुश्किल सर्कमस्टेंसेस हैं, स्पेशली एज वुमेन, यू नो, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वेदर के इश्यूज हैं। हाइड्रेशन वाज ऑन पॉइंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रोड क्लोजर्स आर ऑन पॉइंट। आई थिंक उसके हिसाब से बहुत बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत प्रोफेशनल लेवल था। आई थिंक सारी चीजें बहुत ऑन पॉइंट थी। आप एज अ डॉक्टर और मैराथन रनर, एज अ मदर ऑफ चिल्ड्रन, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को कि उन्हें क्यों स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए? यू नो, हमारे यहाँ मुल्क में अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज आर इंक्रीजिंग, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, और फिजिकल एक्टिविटी जो है उसका एक बहुत अच्छा एक तरीका है इन चीजों को कॉम्बैट करने का। तो आज का ये माहौल आई होप लोगों को इनकरेज करेगा कि वो आए, चाहे वो 1 किलोमीटर करें, 5 किलोमीटर करें, हाफ या फुल करें, बट गेट इन टू दिस जर्नी बिकॉज इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। दौड़ना बेहतरीन वर्जिश है, बाहर निकलें कम दौरानिए के लिए ही सही, लेकिन मैराथन में हिस्सा लें। कराची मैराथन में हिस्सा लेने वाली फिटनेस कोच डॉक्टर उज़्मा आबिद का पाकिस्तानियों को पैगाम, कहा कि दौड़ना जिस्मानी और जहनी सेहत दोनों के लिए मुफीद साबित हो सकता है। खवातीन शुरका सारा मुनीर और सना मलिक ने इवेंट के इंतजाम को सराहा, कहा कि कराची मैराथन का तजुर्बा शानदार रहा, तमाम सहूलियात को आलमी मैार का पाया। गैर मुल्कियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत, जापानी प्लेयर्स ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। Assalamualaikum. Assalam. How was your race today? Oh, this was great. Yeah. This is a great race, and I'm very happy to finish this race. And it was a really nice experience, since we can enjoy the fresh air and the very great beers. So it was really. So how do you prepare yourself before a marathon? What do you eat? Just rice and miso soup. Miso soup. Got that. Okay. And you? What did you have before the marathon? Miso soup? No, chicken curry. कराची में 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल फुल मैराथन आमिर सुहेल ने जीत ली। आमिर सुहेल ने फासला 2 घंटे 36 मिनट और 9 सेकंड्स में तय किया। इसरार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की फुल मैराथन में मानूर सबसे आगे रही। हाफ मैराथन में खवातीन का इवेंट मुमताज नेमत ने जीता। 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन हफीज उल बरकत ने जीत ली। हफीज ने फासला 1 घंटे 17 मिनट और 12 सेकंड्स में तय किया। हाफ मैराथन में अकरम दूसरे और जाहिर शाह तीसरे नंबर पर रहे।